थे पहले तो हम लोग समझौते के चक्कर में पड़े जी। हम लोग ये थोड़ा जानते है की मार समझौते के चक्कर में पड़े कि समझावा जाएगा भाई गांव प्रधान है जी, अपने मोहल्ले के प्रधान है इसको समझावा जाए वो समझाएंगे हम लोग उनके हम लोग तो जनता है ना वो समझाएगा कहाँ समझाए पा वो सब तो दूसरे दूसरे पार्टी हैं तो लगे लाठी डंडा तेन चलावे एक फायरिंग लगा गोली की बात तब सब लोग भागे लगे तो यहाँ जान हुआ है वहाँ सत्रह तो तारीख के हम लोग जो के, वो लोग के यहाँ पर मिला के आ रहे हैं तो हम लोग भी अपने रकबा ने यहाँ से घर से एक किलोमीटर पर रकबा है और वहाँ पर हम लोग अपने आपको कैसे पता चला वो लोग आ रहे हैं? पता है ये चला कि जो है वो आ रहे हैं और कोई आदमी यहाँ से गया था ओह मूर्तिया मूर्तिया से जब आने लगे तो लोग का तैयारी था जी। तो आकर गांव में बताया कि वो लोग आ रहा है इसमें था सर के वो हम लोगों का पुस्तनिक जमीन था और उसी में हम लोग खेती बाड़ी कर रहे थे जी। और यहाँ के प्रधान प्रधान सुनने में आया पहले कि यहाँ जमीन को खरीद लिया है दो एक साल पहले तो उ, उस, समय उस समय हम लोगों ने पुलिस प्रशासन हमारे साथ था कि उस समय हम लोग मुकदमा कर दिए तो हम लोगों के साथ साल के आ, साल भर अच्छी से खेती किए हम लोग सारी व्यवस्था चला लेकिन ये जो सत्रह तारीख घटना हुई है इसमें हम लोगों को कोई पता नहीं था कि कैसे कैसे आएंगे लोग मैं खड़ा हूं अभी मिर्जापुर की मड़िहान तहसील के पास आप सभी को पता होगा कि अभी से कुछ दिनों पहले सोनभद्र के गांव में एक नरसंहार हुआ था जिसमें प्रधान ने दस लोगों की हत्या कर दी थी वैसा ही कुछ मिर्जापुर के मड़िहान में भी देखने को मिला है इस उम्भा की घटना का रिप्रकर्शन इतना खराब था कि पिछले एक हफ्ते में या कहें तो दस दिन में ऐसी तीन घटनाएं हो मर्डर या फिर हिंसा हुई है जमीनी मामलों को लेके जमीन वो ग्राम सभा की जमीन थी उसके बाद तहसील प्रशासन ने उसे किसी के दूसरे के नाम पहले पट्टा कर दिए फिर वो जमीन फिर जब हम लोग को जानकारी हुआ पट्टेदार उस पे आक्रमण किया जी। तो हम लोग उसको तहसील प्रशासन को शिकायत दे करके उसे खारिज करवा दिए तो उन्नीस में एक बार खारिज हुआ तो तहसील प्रशासन सन 2005 में फिर उसे पट्टा बहाल कर दिया फिर जब पट्टा बहाल हो गया तो आठ साल के बाद फिर वो 2012 में बैनामा हो गई फिर हम लोगों को नाम से बैनामा हुआ वो चंद्रावती देवी कल्लू सिंह के नाम से तो तहसील प्रशासन उसमें इक्कीस आठ सन दो में जब अप्लीकेशन दिया तहसील दिवस में उसकी कार्रवाई की पुष्टि जब की गई और पत्रावली बनी तो उनतीस एक सन दो हजार अठारह को खारिज हो गई उत्तर प्रदेश सरकार में चली गई लेखपाल महोदय कानगो साहब महोदय सारे टीम हमारे यहाँ गई थी 26 जुलाई सन 2017 को उसकी पैमाइश हुई पत्थरगड्ढी हुआ नापी हुआ जी। उसके बाद फिर हम लोगों का घर मकान के उतना छोड़वा दिया गया था लंबाई चौड़ाई नाप के फिर बोले कि तुम लोग इतने में रहो कोई परेशान नहीं करे बाद में यही जमीन आप लोगों के नाम से आबादी से दर्ज हो जाएगा विगत चार महीने के बाद वही जमीन भू माफिया राम नंगीना सिंह पटेल दबंग आदमी जो गांव का हमारे रहने वाला है उसे रजिस्ट्री करवा लिया इकतीस जुलाई सन 2017 हजार सत्रह को डेढ़ साल के अंदर अंदर वो जमीन पर इतना आक्रमण किया कि उतरबल्ली मोरंग मट्टी कुल गिरवा दिया कम से कम बारह तेरह मुकदमा हमारे पर लदवा दिया हाँ चार राम नगीना सिंह पटेल जो भू माफिया दबंग आदमी हम हमको भूमाफिया बना दिया अपना सक्षम बढ़िया आदमी स्वच्छ बन के हमारे पर मुकदमा लदवा हमारे जितने लोग बसे हैं एक सौ सात सोलह चार सौ उन्यासी दो सौ इक्कीस एक सौ सत्रह का तरह तरह की कई धाराओं से मुकदमा मिला दिया अभी भी धारा मुकदमा लगातार चला रहा है और धमकी भी देता है कि अब नहीं मानोगे तो हम गोली से उड़ा देंगे और हमारा कुछ भी नहीं होगा जैसे वहाँ पूबा में कुछ भी नहीं हुआ यहाँ भी कुछ नहीं होगा हमको सरकार से मतलब समझ बहुत दिक्कत है रास्ता की दिक्कत आ, नपा क्या बना सकता तो रास्ता की दिक्कत है तो आपके ऊपर मुकदमा क्यों लगा दिया गया है ऊपर मुकदमा, भी आपके लगा फर्जी फर्जी में में हाँ क्या थे? मुकदमा है किसने लगाया बताएंगे कुछ मुकदमा हमें फर्जी में लगाया है मुकदमा हम उनसे तंग हो गए हैं कि या तो जमीन छोड़ के भाग जाए या तो अब हम क्या करें तहसील में हम जब आते हैं तो एसडीएम डी महोदय को तहसीलदार महोदय को अप्लिकेशन देते हैं कहते हैं तो कहते हैं तुम लोग गलत हो तुम लोग घर छोड़ के चले जाओ हट जाओ वो ज़मीन किसी दूसरे के नाम बैनामा होगी हम कहीं हम बोलाएं सर सोलह सौ बहत्तर वो दस बीघा की बेसकीमती ज़मीन है जब वो ग्राम सभा ज़मीन थी तो उसकी पट्टा पत्रावली जब दूसरे के नाम जब पट्टा हुआ तो पट्टा पत्रावली होना चाहिए ना नहीं। नहीं। लेकिन तहसील के तहसीलदार महोदय ने हमें लिख के दिया कि मेरे यहाँ पट्टा पत्रावली कोई रिकॉर्ड नहीं है फिर कैसे पट्टा हुआ फिर कैसे वो बैनामा हुआ कैसे भूमधरी हुई फिर कैसे ग्राम सभा हुआ यह खेल कुल तहसील प्रशासन कर रहा है